एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है या आपको पाने की इच्छा रखता है। आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। देख लेते हैं कौन है वो इंसान। कोई भी हो सकता है गाइस, आपके जानने में भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको जानता है बट आप नहीं जानते। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने अबाउट सेक्शन में अपना इंस्टा हैंडल लिंक कर दिया है, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ डेक आया है नाइट ऑफ सोर्स। ओके गाइस, मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। या गाइस, आई होप कार्ड विजिबल होंगे। ये एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया था तो मैंने ले लिया। देख लेते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। सबसे पहले तो बता दूं गाइस, ये पर्सन वाटर साइन होगा, ठीक है। वाटर साइन मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। देन अर्थ साइन हो सकता है, फायर साइन हो सकता है, ठीक है, और एयर साइन। तो जोडियक साइन यहाँ पे सारे हैं बट यहाँ पे ज़्यादातर मुझे वाटर साइन दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है इसकी चार्ट में वाटर साइन ज़्यादा हो। तो ये कौन है इंसान जो आपको पाना चाहता है। सबसे पहले तो गाइस मैं बता दूँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होगा, ठीक है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी इसके कंधों पर, फैमिली की, ऑफिस की। बिजनेस मैन हो सकता है, बिजनेस वूमेन हो सकती है, या आपके जानने में ज़रूर होगा। अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसे बखूबी जानते हो। ये पर्सन आपके फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, आपके रिलेशन में हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, रिलेटिव्स में कोई हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, रिश्तेदार का रिश्तेदार है या कुछ भी हो जिसकी वजह से आप इसे जानते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को आप पार्टी में मिले होंगे किसी, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है आप फैमिली फंक्शन में गए हैं वहाँ इस पर्सन से मुलाकात हुई है, या फ्रेंड की पार्टी में गए हैं वहाँ इस पर्सन से मुलाकात हुई है, क्योंकि ये मुझे फ्रेंड का फ्रेंड भी लग रहा है। और रिलेटिव्स में किसी के जानने में हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप इस पर्सन को बखूबी जानते हो और ये बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ तो पार्टी लवर होगा, मतलब इसे पार्टीज करना बहुत पसंद होगा या ज़्यादातर ये पार्टीज़ में जाना पसंद करता है, ठीक है। इसको पार्टीज़ बहुत पसंद है और ये फूडी हो सकता है, ठीक है, बहुत नंबर वन का फूडी होगा ये इंसान। मुझे यहाँ पे शिप दिख रही हैं तो ऐसा हो सकता है ये नेवी में हो, ठीक है, मर्चेंट नेवी में हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे शिप मुझे दिख रही हैं तो ये पर्सन मर्चेंट नेवी में हो सकता है। ये पर्सन आर्टिस्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये पर्सन आर्टिस्ट भी हो सकता है। अब आर्टिस्ट में बहुत तरीके के आते हैं, डांसर होते हैं, स्केच आर्टिस्ट होते हैं, बहुत तरीके के आर्टिस्ट होते हैं, तो किसी तरीके का कलाकार हो, ऐसा हो सकता है ये पर्सन। बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है ये पर्सन, और मैं कहूँ तो ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कभी इस पर्सन के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट भी हुई होगी। अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए आ रहा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपकी कभी आर्गुमेंट वगैरह भी हुई है और जिसमें आप जीते हैं। तो इस पर्सन को ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटकती है, और साथ ही मैं कहूँ तो इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी भी लगती है कि ये आपसे हारा। देखिए, बुरा भी लगता है इसको
ये आपसे हार गया, बट उससे भी ज़्यादा इसको पाना है इसी वजह से आपको, क्योंकि आपने इसको हरा दिया। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। इस पर्सन को यही चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये पर्सन इसी वजह से आपको पाना चाहता है, क्योंकि इसे ये चीज़ ना आपकी बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने उसको हराया है। ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। गाइस, जो भी जेंडर हो, ठीक है, आप जो भी हो, लड़का लड़की जो भी हो, वो आप खुद रेजोनेट करा करो। और अगर कुछ चीज़ रेजोनेट नहीं करती है ना, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दिया करो। ये मत बोला करो कि भाई वो ऐसा क्यों करेगा या करेगी, वो ऐसा कर सकती है। अरे भाई, वो खुद रेजोनेट कर लो, अगर नहीं कर सकती तो उसे इग्नोर कर दो, ठीक है? तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कर दो। जो बोलता है इंट्यूशन, वही बोलती हूँ मैं, ठीक है? जो आ रहा है अंदर से, मैसेजेस जो आ रहे हैं, वही बोलती हूँ। तो प्लीज़ आप खुद रेजोनेट करा करो उस चीज़ को। नहीं रेजोनेट करती है। कभी कभी मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि लड़की क्या ऐसा कर सकती है, लड़के क्या ऐसा कर सकते हैं। अरे भाई, आज की डेट में ना हर कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है? आप किसी की भी कैपेबिलिटी को जज नहीं कर सकते। एक हद तक ही मैं इग्नोर कर सकती हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ को आप खुद ही रेजोनेट करो, ठीक है? नहीं रेजोनेट करता, इग्नोर कर दो, आपके लिए नहीं होगी फिर वो, ठीक है? तो आप खुद उसको रेजोनेट कीजिएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, बट इसको आपने हराया है, वो भी आर्ग्यूमेंट में, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, घर का बड़ा भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है? इसके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, घर की, ऑफिस की, और ऐसा हो सकता है घर का बड़ा है तो इसलिए ये सारी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहता है, खुद उठाता है। और ये बिजनेस मैन भी हो सकता है, बिजनेस वूमेन भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट हो, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है लड़की है तो शायद मेकअप आर्टिस्ट हो सकती है ये। आज की डेट में लड़के भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, तो अगर लड़का भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है, फैशन डिज़ाइनर हो सकता है ये पर्सन, ठीक है? और आर्टिस्ट है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये आर्टिस्ट हो सकता है जो आपको पाना चाहता है। साथ ही इसको बुक्स रीडिंग का बहुत शौक होगा, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी पर्सनल डायरी भी लिखता होगा। अब चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है इसको डायरी लिखना बहुत पसंद है, ठीक है? जो भी इसकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, तो ये उन चीज़ों को लिखना बहुत पसंद करता है। और ऐसा हो सकता है इसने आपके बारे में भी लिखा हो, ठीक है? मे बी जब आपसे ये फर्स्ट टाइम मिला था या मिली थी, तो इसने ज़रूर आपके बारे में लिखा है उस डायरी में, ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, ये आप भी करते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई है जो डायरी लिखता है, अपनी डेली लाइफ की चीज़ें लिखता है, और उसमें उसने ज़रूर आपका जिक्र किया है, ठीक है? और उसमें भी स्पेशली जब वो आपसे फर्स्ट टाइम मिला था पार्टी में, या मिली थी पार्टी में, तो उस चीज़ को उसने ज़रूर लिखा है। बहुत अच्छा आपका ड्रेसिंग सेंस है, उस चीज़ को लेके भी उसने लिखा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप डांस बहुत अच्छा करते होंगे, या ये पर्सन डांस बहुत अच्छा करता होगा, या इसने आपके साथ बहुत इंजॉय किया था उस पार्टी में, ठीक है? तो इसने उस चीज़ को लेकर भी लिखा होगा, ठीक है? ओवरऑल आपके साथ जो मीटिंग हुई थी उस वक्त, उस चीज़ के बारे में लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा फूडी हो, ठीक है? आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत इंजॉय करते हो लाइफ को, ठीक है? खुले दिल से जीते हो आप लाइफ को। साथ ही आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप लोगों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, ठीक है? इससे मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं गाइस, ठीक है? मुझे ऐसा लिख रहा है वो, अगर ज़रूर अगर वो लिखता है ना या लिखती है डायरी, तो उसने ज़रूर ये सारी बातें लिखी हैं आपको लेके, और वो जेन्युइनली आपको पाना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपको अपना कप देना चाहता है, ठीक है? इनफैक्ट वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, और साथ ही उसे ये लगता है कि आपको यूनिवर्स ने मिलवाया है उससे, ठीक है? और इस पर्सन के साथ आपका आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता होगा, ठीक है? जब भी आप मिले हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप जानते हो,
तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ ना आपका आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रांग होता होगा, ठीक है? और आप दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, ऐसा भी लग रहा है मुझे। आप दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो और इस पर्सन को आप बखूबी जानते हो, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैच्योर है, जस्टिस लवर है, ना खुद के साथ गलत होने देता है ना दूसरों के साथ गलत होने देता है, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ब्रेकअप भी हुए होंगे पास्ट में, कुछ फ्रेंड्स के साथ ब्रेकअप हुए हों, कुछ लव अफेयर जो थे इसके पहले पास्ट में रहे थे उनके साथ जो भी ब्रेकअप हुआ है, तो कुछ के साथ ये हील हो चुका है, कुछ के साथ ये अभी हील नहीं हुआ है। अब ये मत सोचेगा कि एक साथ बहुत सारे अफेयर रखे होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि कुछ जो रिलेशनशिप टूटे थे, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेशन में भी कोई हो सकते हैं जिनके साथ इसने कट ऑफ किया हो, ठीक है? जिनके साथ ये अलग हुआ हो, तो स्पेशली लव रिलेशनशिप मैं नहीं कहूँगी, बट कुछ के साथ ये हील हो चुका है, मतलब उनसे मूव ऑन कर चुका है ये। इसे अब उनके होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ लोग हैं जिनका इसे अभी भी अफसोस है। मे भी ऐसा हो सकता है फैमिली में कोई हो जिसके साथ बनती नहीं थी, तो इसने उस पर्सन के साथ कट ऑफ कर लिया हो, तो अब उस पर्सन से दूर होने के बाद ये थोड़ा अभी हील नहीं हुआ है, कुछ बातों का आज भी ये सोचता है और हर्ट हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है? साथ ही इसने धोखे बहुत खाए होंगे, फ्रेंड की शक्ल में बहुत लोगों से इसने धोखे खाए हैं। इमोशनल पर्सन होगा, इमोशनल ज़्यादा दिख रहा है, प्रैक्टिकल कम दिख रहा है। जस्टिस लवर है तो बैलेंस है, ठीक है? बैलेंस है, बट समटाइम ज़्यादातर ये ना इमोशंस में आके बह जाता है, ठीक है? बहुत बार यही होता है इसके साथ कि बैलेंस है, पूरी लाइफ ये बैलेंस चलता आ रहा है, बट थोड़ा जब इसको रिलेशनशिप को लेकर या कुछ ऐसा होता है ना रिलेशनशिप के मामले में ना, ये थोड़ा बह जाता है, इमोशनल हो जाता है ये पर्सन, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, अगर लड़का है ना, बहुत अच्छी खासी इसने बॉडी बना रखी होगी, लाइक इसकी बॉडी ना अलग ही दिखेगी, बहुत ज़्यादा इसकी बॉडी अच्छी होगी, लड़की या बहुत सुंदर होगी, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कभी कभी जबल भी कर जाता है, मैं वही कह रही हूँ ना, जस्टिस लवर है, बैलेंस रहता है, बट जब कभी दो सिचुएशन सामने आती हैं, फैमिली आती है, ऑफिस वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो ये जबल कर जाता है कि मैं क्या करूँ, प्रैक्टिकल रहूँ या इमोशनल रहूँ, तो उस टाइम ये जबल कर जाता होगा। कैप लगाना इसको बहुत पसंद होगा, ठीक है? और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी करता होगा, बट बहुत मैच्योर है, इसे अच्छे से पता है मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, फाइनेंस और इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, इसको बखूबी पता है, बट समटाइम ये बेवकूफ़ भी बन जाता होगा क्योंकि इमोशनल पर्सन है, ठीक है? आपको अपना कप ऑफर करना चाहता है और मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ मस्ट है, ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस पर्सन के साथ आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होता होगा, ठीक है? ऐसा आई कांटेक्ट होता होगा जो औरों के साथ नहीं होता, ठीक है? पार्टी में मिले होंगे इस पर्सन से किसी, और मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके जानने में होगा, ठीक है? आपके फ्रेंड का फ्रेंड हो, कैसे भी हो, बट ये आपके जानने में है, और ये इंसान डायरी ज़रूर लिखता होगा, ठीक है? और इसको रीडिंग करना बहुत पसंद होगा, डायरी नहीं भी लिखता, वैसे मुझे डायरी ज़्यादा दिख रहा है, ये आप भी हो सकते हैं जो डायरी लिखते हो, ठीक है? बट मुझे उसका ज़्यादा लग रहा था तो मैं इसलिए उसी का बता रही हूँ। डायरी नहीं भी लिखता तो इसे रीडिंग करने का बहुत शौक होगा, नॉवल पढ़ता होगा, स्टोरीज पढ़ना इसको बहुत पसंद होगा, ठीक है? इसी वजह से आपसे इम्प्रेस है क्योंकि आपने जिस तरीके से उसे हराया है, वो निराश हुआ, हताश हुआ, बट वो उस चीज़ से इम्प्रेस है, आपके बोलने के तरीके से, आपके जो भी एक्सप्रेशन होंगे उस वक्त, ठीक है? उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्शन हुआ है उसको, और वो आपको पाना चाहता है। अगर बर्थ डेट की बात करूँ तो 5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 11 हो सकती है, 10 हो सकती है, 18 हो सकती है, 9 हो सकती है, 27 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 12 हो सकती है, 21 हो सकती है, 5 हो सकती है, 14, 23 और 10, 19, ठीक है?
और एंजल नंबर आपको 11 11 बहुत दिखेगा, ठीक है। एंजल नंबर 11 11 आपको बहुत दिखेगा जब ये पर्सन आपसे मिलेगा, जब ये पर्सन आपसे मिला होगा, ठीक है। जब ये आपको लव ऑफर करेगा तब आपको एंजल नंबर 11 11 बहुत दिखेगा, या मैं कहूँ तो एंजल नंबर 10 10 बहुत ज़्यादा दिखेगा। अगर आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं क्या आपको एंजल्स मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा, क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल नंबर 11 11 बहुत दिखेगा, या एंजल नंबर 10 10 बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए। और या अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, मई अक्टूबर नवंबर और सितंबर, बस मुझे यही दिख रहे हैं, मार्च यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं, ठीक है। या गाइस आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा क्या रेजोनेट किया, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।